सबस्क्राइब करुन इल्मी बशीकरण नामक चैनल टीके एवं पाशे थाका बेल टीते क्लिक करुन लेटेस्ट बशीकरण वीडियो सबार आगे देखार जोन्नो। आपनारा देखते हैं तंत्र मंत्र रिलेटेड यूट्यूब चैनल इल्मी बशीकरण एवं आमी आछि आपनादेर साथे समीर। तो व्यूअर्स चलुन आज के एक नतून बशीकरण शिखी। तो व्यूअर्स मूल विषय चले जावर आगे आपनादेरके बोले दी जे वीडियो टीके लाइक कमेंट शेयर करते भूलें ना। तो व्यूअर्स आज के बशीकरण देव ये बशीकरण खूब ही भलो लगे एक बशीकरण। ये बशीकरण जी अपारा करें तो हमें अवश्य अपनारा जेको मानुष के बशीकरण करते पर तब शर्त हल से मानुष्टर नाम आपनर जाना एकान तो आवश्यक। तो व्यूअर्स एक जंत्र आँकब ये से जंत्र दिए अपनी बशीकरण करबें क्यों से सम्पर्के आनी विस्तृत तो जानते चाहले अवश्य भिडियो के शेष पर्त स्किप ना देखें तो हमें मूल विषय अपनारा खूब सहजे बुझते पर। तो व्यूअर्स सर्वप्रथम अपनारा से जंत्रटा के एक बार देखे नीन तरपे एर विषय विस्तृत आलोचना करब। तो जंत्रटा जे भावे आँकब तद्रूप भावे अपनारा आँकबें तो हमें ये जंत्र दिए अपनारा काज करे निते पारबें। तो व्यूअर्स सर्वप्रथम अपनारा सुंदर करे एक त्रिभुज आँकबें। एई जे आमी एक त्रिभुज आँकलाम ठीक ए रकम भाव अपनारा एक त्रिभुज आँकबें तरपे एक काज करबें अपनारा ये आो एक त्रिभुज आँकबें। ये देखें हमें एक त्रिभुज आँकई ठीक ये अपनारा त्रिभुज आँकबें यारपर अवश्य आो एक त्रिभुज आँकबें अपनारा ये सुंदर करे त्रिभुज आँके नीबें। तो व्यूअर्स आरेकटी काम करते हबे आपनार एखाने आरेकटी त्रिभुज आकाते हबे छोट करे एरकम करे त्रिभुज आकाते हबे। आर आपनि जाके बशीभूत करते चान तार नामटी एखाने अवश्यई लिखते हबे। तो व्यूअर्स देखे नेन एई जंत्रटा किभाबे आकाइछि। ठीक एइभाबे आपनारा एई जंत्रटाके आकाबेन। तो व्यूअर्स एई जंत्रटा आकाइते तो अवश्यई आपनारा स्केल व्यवहार करते पारेन और स्केल ना व्यवहार कर आपनी जदि आमार मतो करे आकान ताहले ए जंत्र दिए काज करे निते पारबेन। तारपरे एखाने जेखाने नाम लिखे लिखेछि सेखाने आपनी आपनार कांक्षित व्यक्तिर नाम लिखबेन। आरेकटी काम करबेन आपनारा ए जंत्रटा दिए काज करते हले आपनार आरेकटी काज करते हबे जेई नारीके आपनी बशीभूत करते चान सेई नारी कोन रास्ताय आसा जावा करे आपनी देखबेन और से जखन चलाफेरा करे आपनी तार बाम पायर एकटू धूला उठिए निबेन सेखान थेके जेखान तार बाम पायर छापटा पड़े अर्थात जे रास्ताय चलाफेरा करे बाम पाओ कोन जागाय पड़े ओई जागाय थेके एकटू धूला निबेन। तारपरे सेई धूलो दिए आपनी सेई कांक्षित व्यक्तिर एकटी चित्र आँकबें। कांक्षित व्यक्ति आपनार देखते जे मनि ना होक केन आपनी मोटामुटी भावे सेई मेयेटिर बा पुरुषटिर एकटी चित्र आँकानोर चेष्टा करबें। एई धरेन आमी कांक्षित व्यक्तिर एकटी चित्र आँकाइछि तो आमी अवश्य चित्र आँकाइते जानि ना। तो धरेन एटा एकटी मेयेर चित्र बा पुरुषेर चित्र आँकाइलाम तो एटा धरेन सेई मेयेटि धरें से मेटी चित्र आँकलम और ये चित्र अवश्य अपनारा कलम दिए आँकबें ना तर बाम पायर धूलो नहीं अर्थात बाम पाए जेखने पड़े वोखान एक धूलो नीबें धूलो नहीं आपनी वो धूलो दिए खूब सुंदर कर एक चित्र आँकबें और मने मने भावें जे से ही आपनर कांक्षित व्यक्ति। एरपे एक काज करते हबे अवश्य आपनार सेई मेयेटिर जनी एकटी चित्र आँके निते हबे सेई मेयेटिर एकटी जनिर चित्र आँके निबेन। तारपरे एई जे जंत्रटा आमी दिछि एई जंत्रटी सेई जनिर जायगाटाय अर्थात देखिए दिलाम आमी कलम दिए तो एइखाने आपनारा रेखे दिबेन। और तारपरे एई जे चित्रटा अर्थात सेई धूलोबालिर जे आपनी पुतुलटा आँकाइछेन सेई पुकुल पुतुलटा आपनी जेई कोनो एकटी निर्जन जागाय रेखे दिबेन ताहले आपनार कार्य सिद्ध हबे। तो व्यूअर्स बोले दे जे एई जे जंत्रटा एई जंत्रटा आपनारा अवश्यई भोजपत्रे आँकानोर चेष्टा करबेन। एई जंत्रटाके आपनारा भोजपत्रे आँकानोर चेष्टा करबेन एबं तार जे पिक्चारटा आँकाबेन छबिटा बानाबेन आपनारा तार छबिटा आपनारा तार बाम पायेर धूलो दिए आपनारा आँकानोर चेष्टा करबेन आरो जदि आपनि तार बाम पायेर धूलो दिए ना आँकान ताहले आजकेर ए बशीकरणटा विफले जाबे आपनार।
আরও একটি কথা বলে দেই যে এই যে ভোজপত্রে আপনি এই যন্ত্রটা আঁকাবেন, এই যন্ত্রটা ভোজপত্রে আঁকাতে হলে অবশ্যই আপনার গোপনে আঁকাতে হবে, কেউ যেন না জানে যে আপনি এই কার্যটা করতেছেন। যদি কেউ জানে তাহলে কাজ দেবে না, তাই গোপনে আঁকাতে হবে। এবং হলুদ এবং লঙ্কা ও মঞ্জিষ্ঠা একত্রে নিতে হবে এবং জল দিয়ে ওগুলো পিষে নিতে হবে। তারপরে ভোজপত্রে এই যন্ত্রটা আঁকাতে হবে। তারপরে একটি কাজ করতে হবে, আপনার বিবিধ পঞ্চপ্রচারে পূজা করে নিতে হবে এই যন্ত্রর। তারপরে যেখানে নাম আছে সেখানে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির নাম নেবেন। তারপরে আপনি দেখবেন যে আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি কোন রাস্তায় চলাফেরা করে, ওই রাস্তায় যখন সে চলাফেরা করে তখন দেখবেন যে তার বাম পাওটা কোন জায়গায় পড়ে, ওই জায়গা থেকে একটি ধুলো নেবেন। ধুলো নিয়ে আপনি একটি পুতুল আঁকাবেন। পুতুলটাকে আপনি মনে মনে আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বলে চিন্তা করতে থাকবেন এবং তার যোনির মাঝে এই যে যন্ত্রটা, এই যন্ত্রটা আপনারা রেখে দেবেন। এবং এই যে যে পুতুলটা আঁকাইছেন বা বানাইছেন সেই পুতুলটাকে আপনারা যেই কোনো নির্জন একটি স্থানে রেখে আসবেন। তবে একটু খেয়াল করবেন যে সেই জায়গাটা যেন কেউ না দেখে এবং আপনি যেখানে পুতুলটা রেখে দিয়েছেন সেই জায়গাটা কেউ যেন না যায়। তো ভিউয়ার্স, এইভাবে যদি করেন তাহলে আপনার কার্যসিদ্ধ হবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি এখানে কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা নেই। যদি অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি রিপ্লাই করব। আরও সর্বশেষে বলে দিই যে ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আরও আপনাদের জন্য শুভকামনা করে রাখছি।